फैराडे लॉ क्या कहता है? अब फैराडे लॉ देखिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फैराडे साहब एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ईएमएफ बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हमने डिस्कस किया, हम अलग अलग हमने इनके एक्सपेरिमेंट देखे, उसमें यही हमने पाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी क्लोज सर्किट में, तो वो आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो फैराडे साहब के अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे एक्सपेरिमेंटल, उन्होंने कहा कि हम एक लॉ देंगे, उन्होंने एक लॉ दिया जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये जैसे लेंजेज लॉ तो डायरेक्शन बताता है, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू बताता है इंड्यूस ईएमएफ की। तो उनका लॉ कुछ इस तरीके सा था कि जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है इंड्यूस ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा एक क्लोज सर्किट में या फिर कॉइल में, वो किसके बराबर होगा? वो आपका होगा नेगेटिव जो टाइम रेट है चेंज का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसका जो रेट है, जो फाई बाई टी चेंज हो रहा है, डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करें आप, जो चेंज हो रहा है यही जो होगा, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। नेगेटिव इसलिए अभी बताता हूं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हर एक टर्न जो कॉइल की है फाई है, और डेट टाइम टी पे फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है मान लीजिए डेल्टा फाई, क्योंकि फाई टू से फाई टू माइनस फाई वन डेल्टा फाई मान लिया, टी टू माइनस टी वन आपने डेल्टा टी मान लीजिए, टी टाइम में डेल्टा फाई ये से डेल्टा टी, डेल्टा फाई डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ। तो फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ ये कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ईएमएफ पैदा होगा, जो वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो टाइम के साथ चेंज है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसका नेगेटिव ही इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। नेगेटिव साइन क्यों बता रहा है? क्योंकि लेंजेस लॉ ये कहता है कि अगर आप नॉर्थ पोल को इधर की तरफ, कॉइल की तरफ भेजेंगे, ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल ही बनाएगा, राइट? तो ये आपस में अपोज करेंगे, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अगर आप इंस्टेंटेनियस लेना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना चाहते हैं, ये तो आपने T2 - T1 कितना भी हो सकता है, एक घंटा, एक दिन, एक 50 दिन हो सकते हैं, है ना? आपको बहुत छोटा टाइम चाहिए तो उसके लिए हमको डेल्टा टी को लिमिट लगानी पड़ेगी कि बहुत कम है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। और जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू, जब भी कभी लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा डी में चेंज हो जाता है, डी फाई बाई डी टी आ जाता है। यदि मान लीजिए एन टर्न्स है, हमने कहा एक ही टर्न है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एन टर्न्स हो गए तो फाई को भी तो चेंज करना पड़ेगा, फाई तो ये एक टर्न के लिए था, लेकिन अगर एन टर्न्स है तो फिर एन फाई हो जाएगा, एक टर्न के लिए फाई, एन टर्न्स के लिए एन फाई। इसके अलावा जो रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का, मतलब फ्लक्स जिस तरीके से समय के साथ चेंज हो रहा है हर टर्न के हिसाब से, वो तो सेम रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? माइनस डी बाई डी टी, यहां पर फाई की जगह एन फाई कर देंगे, क्योंकि आपके एन टर्न्स हैं यहां पे, ओके, एन टर्न्स है, तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसका मतलब जो फैराडे लॉ है वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर आप वोल्टेज की तरह समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह समझिए, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल में जिसके एन टर्न्स है, उसको हम कहते हैं E = -dφ/dt।